हेलो गाइस, इस सेल में आपका स्वागत है। चलिए हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है। जब भी हम कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड का नाम सुन, चाहे आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें या फिर लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें, दोनों पार्ट म्यूचुअल फंड का ही। अगर हम SIP को जाने तो SIP दोस्तों एक ऐसा सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसमें आप 100 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट कर करोड़ों का फंड तैयार कर सकते हैं। जिस तरह से आप रेकरिंग डिपोजिट करते हैं किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में, उसी तरह से आप SIP में भी 100 रुपया से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मंथ। SIP में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। अभी बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए हैं जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर किसी भी बैंक से जिस बैंक में आपका खाता हो उस बैंक में जाकर आप अपना SIP खुलवा सकते हैं। अगर हम लमसम की बात करते हैं तो लमसम में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये लमसम एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान है जहां पे आप सिर्फ एक बार इन्वेस्टमेंट कर अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। जिस तरह से आप किसी भी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट करते हैं एक बार, उसी तरह से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड के लमसम प्लान में तो सिर्फ एक बार इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आपको। 10,000, 20,000, 50,000, आप जितना सक्षम हो सकें उतना आप सिर्फ एक बार इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आपको करोड़ों का फंड तैयार हो जाता है। जब आपका एज होता है लगभग 60 या फिर आप अपने हिसाब से 25 साल, 30 साल, 35 साल, जितने समय आप छोड़ना चाहते हैं उसके हिसाब से कंपाउंडिंग ग्रोथ मिलता है। चाहे आप SIP में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट, दोनों में कंपाउंडिंग ग्रोथ मिलता है। गाइस, SIP में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको 3 चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। पहला, आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट, आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर मिड कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, डिपेंड ये भी करता है आप कौन सा फंड ले रहे हैं, कौन सी कंपनी का म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते। अगर कहा जाए तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जिसे पता नहीं होता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें इसे मैक्सिमम रिटर्न मिले। कहीं भी कोई भी अगर उसे कोई एडवाइस कर दिया कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो, किसी भी म्यूचुअल फंड में वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, उसे तो ये भी नहीं पता होता है कि अगर हमें इसे 12% का रिटर्न मिल रहा है किसी म्यूचुअल फंड में। और बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है जहां पे 20% 25% तक का भी ऐसे ग्रोथ मिलता है साला। अगर आप वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 12% और 25% 26% दोनों में डिफरेंस दो गुना से भी ज्यादा होता है। तो अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हो सकता है कि आप जहाँ पे 12% इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यहाँ पे 25-26% का रिटर्न मिल रहा है। तो आप जब भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 3 चीज डिसाइड करें, आप कौन सा टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए, स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर लार्ज कैप में इन्वेस्ट, कौन सी कंपनी का फंड लेना चाहते हैं। अगर आप ये 3-4 चीज ऐसे डिसाइड कर लेते हैं और अपना पीरियड ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं, हमें ऐसे 25 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है या फिर 20 साल के लिए इन्वेस्ट, 500 रुपया से SIP इन्वेस्टमेंट करना है, 1,000 से इन्वेस्टमेंट करना है या फिर ऐसे हमें लमसम में करना है, एक बार 25,000, 50,000, 1,00,000, ये सारे चीज का सिलेक्शन कर लेते हैं, पूरा सेटिस्फाई होते हैं। फिर अगर आप बैंक जाते हैं और वहां पे एप्लीकेशन फिलअप करके अपना अकाउंट वैसे ओपन करवा लेते हैं, SIP अगर करवाते हैं तो हर महीने आपके अकाउंट से एक फिक्स अमाउंट ऐसे डिडक्ट होते रहता है। और आप अगर 25 साल के बाद उसे देखेंगे या 25 साल के बाद उसे देखेंगे, 30 साल के बाद देखेंगे, तो आपका कम से कम दोस्तों अगर 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 25 साल में आपको वो लगभग 3 करोड़ का फंड तैयार करके देता है। आप 2 चीज पे ध्यान दें, आप किसी भी बैंक में जहां पे आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और आप फैन है कि हमें फिक्स डिपोजिट में अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, तो 5,000 रुपया एक बार में फिक्स सेम डेट में ही किसी भी म्यूचुअल फंड, जो मैंने बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है जिसको मैं एडवाइस किया हूं और लेने के लिए सलाह दिया हूं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप एक बार जरूर सोच ले कि जो मैंने बताया है वो म्यूचुअल फंड आपके लिए सुटेबल है या नहीं। तो मैं बता रहा था कि जिस डेट में आप फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं उसी डेट में एक 5,000 रुपया का भी म्यूचुअल फंड ऐसे लेकर लमसम में जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 5,000 रुपया और फिक्स डिपॉजिट में 5,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप 20 साल के लिए दोनों को ऐसे छोड़, अगर ये 20,000 रुपया का फंड तैयार करके दे रहा है, अगर आप लमसम में इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं तो आपको हो सकता है कि 5,00,000 रुपया तक का भी फंड तैयार हो। दोनों के बीच में बहुत सारा डिफरेंस होता है, फिक्स अमाउंट जो है वो इंटरेस्ट रेट के रूप में मिलेंगे, बट यहाँ पे फ्लेक्सिबल होता है, यहाँ पे कुछ कहा नहीं जा सकता है कि आप 25% मिलेंगे, हो सकता है कि आपको 20% भी मिले और हो सकता है कि आपको ऐसे 40% भी मिले, बट जितना अमाउंट मिलेंगे कहीं भी फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा ही अमाउंट, 2 गुना 3 गुना ही आपको म्यूचुअल फंड में बेनिफिट मिलेगा। मैंने एक छोटा सा अमाउंट बताया है, आप एग्जांपल के तौर पे उसे सेट कर ले और एक बार ऐसे जरूर इसे ट्राई करें, आप देखेंगे कि आपको अच्छा ग्रोथ मिलेगा। 1 साल के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि कितना परसेंट का ग्रोथ मिल रहा है, उसके हिसाब से आप अपने फ्यूचर को चेंज करने के लिए म्यूचुअल फंड में जरूर इन्वेस्टमेंट करेंगे, चाहे आप किसी फंड में इन्वेस्टमेंट करें। मेरा वीडियो अगर देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे फंड का नाम पता चलेगा जो ऐसे हाई ग्रोथ दे रहा है।
लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे या फिर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करेंगे या फिर लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करेंगे, सारा मैं वीडियो में बनाकर रखा हूँ। आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सारा डिटेल्स मैं बहुत सारे वीडियो में बनाकर रखा हूँ। अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है और क्यों इन्वेस्टमेंट करना होता है म्यूचुअल फंड।